एवरीवन, मैं हूं अंबर वकास, कुक विद अंबर वकास में आप सबको कहती हूं शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम मौजूद हैं अपने गांव में, यहां से हम सब्जियां तोड़ेंगे, साग तोड़ेंगे। मैं आपको यहां के जानवर दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली के साथ प्लान किया था कि हम यहां का विजिट करेंगे, तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेके चलते हैं और यहां का जो है वो अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। हमारे साथ सन्या भी है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ जो है वो साग है, मूली है, शलजम है, पालक है। आपको पता है कितना अच्छा सीजन है साग खाने का, मूली पालक खाने का। तो हम अभी यहाँ पे जाते हैं और तोड़ेंगे, तोड़ के मैं आपके साथ कुकिंग करूँगी। बड़ा मज़ा आएगा, आप भी मेरे साथ रहिए। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब कीजिए। वेदर बहुत अच्छा है और सूरज बहुत अच्छा है। ये देखिए सूरज का जी बहुत सनी है। और अभी अम्मी भी आएंगी और विकास भी आएंगे, तो अभी हम चलते चलते जाएंगे और ढूंढेंगे कि साग किधर है और फिर हम काटेंगे किधर शलजम। नहीं ये देखिए ये क्या है, आगे चलते हैं, आ जाओ। वो बकास साग, अभी हम और भी ज्यादा साग तोड़ेंगे, फिर हम पालक ढूंढेंगे, पालक कहाँ पे है, पालक भी तोड़ेंगे और मूली देखते हैं। और फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आगे जाके हमें क्या मिलता है। आए मेरे साथ। अभी आपको तोड़ना बताएंगे कि साग कैसे तोड़ते हैं आज इंशाल्लाह। हाँ जी, हम साग तोड़ेंगे खुद अपने खेत से और इसको हम बनाएंगे अपनी पिछली रवायत जो हमारी हरिपुर हजारे में बनाती थी हमारी माएँ, हमारी खालाएँ अभी भी बनाती हैं। वो तड़क के साग बनाती हैं, गंदलों का लंबा लंबा काटती हैं और वो तड़क के दम करके साग बनाती हैं। आज हम इंशाल्लाह वो बनाएंगे। तो आज हम इधर आए थे तो हमने कहा खुद तोड़ के और इंशाल्लाह ताज़ा साग लेके जाएंगे और हम फिर घर बनाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। आप भी हमारे साथ चलें और साग तोड़ें। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये मेथी तो नहीं? नहीं नहीं, ये सारा गोभी सरसों है। हम निकाल लेंगे ना अद्धे बदे भी। ये जो सरसों है ये पक चुकी है, इसको फूल लग चुके हैं। ये देसी सरसों है लेकिन ये चारा है सारा ना। ये जो पीली वाली है ये हमारी सरसों है, देसी सरसों है, देसी सरसों का साग। ये जो चारा है ना ये भैंसों को डालते हैं। ये शाला लगा हुआ बीच में, ये मैना लगा हुआ है, इसी तरह मिक्स से सारी जड़ी बूटी है। मेरी अम्मी रोज भैंसों को डालती है। फिर मैं आपको छील के दिखाऊं, ये देखिए इसको कहते हैं गंदलों वाला साग। इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते होंगे हम इस तरह से निकालेंगे और जो इतनी सी गंदल है वो हम साग में डालेंगे। अच्छा,
भी है जिसके ये कंडों वाले हैं, ये कोड़ी सरों है। साग तो ये है ना, ये जो नहीं ये कड़वी वाली है जिसके जिसके पत्ते थोड़े कांटों कांटों वाले हैं ना, ये कड़वी सरों होती है। और ये वाली गोभी है, ये दूसरी सरसों होती है पीली वाली देसी। इतना अच्छा से नहीं बस असल साग ये वाला है ना, थोड़ी सी कोड़ी बीच में मिक्स। पालक डालिए, बाथू डालेंगे बीच में, थोड़ी सी मेथी डालेंगे जी, वो आगे से जो मोटी मोटी है ना वो सारी जी। अब सनी आप मेरी हेल्प करो, सनी आपके जैसा साग तो स्पेशल साग साग जाए नहीं करो, जान मुझे नहीं पता ना। आपको नहीं पता, आप दफा हो जी यहाँ से, इधर आ जाओ। सुनिए जड़ से नहीं तोड़ो सुनिए इसको जड़ उतार लो ना, कपड़े गंदे होंगे। ये देखो ये जो गंदल है ना, ये ऐसे करते हैं, ये देखो सुनिए जड़ से नहीं तोड़ो, नया साग बनेगा। वो नहीं उतर रही, ऐसे आप साग नहीं जाया करो। सदके और सुन लो, ये लो, ओ ये तो पालक है, ओ ये पालक है। हाँ देखो पालक ली, ये देखो पालक है। हाँ ये आपने इसमें से बस वो गंडल को तोड़ना है, और पुल नहीं करना उसको। हाँ गुड, फाइनली सनिया को साग तोड़ना आ गया, आज हम सनिया से साग भी पकवाएंगे। ये लो इतना रिफ्रेशिंग लगता है यहाँ पर आके, है ना मम्मी? ये आगे लाइन लगी थी ना, इनमें से आगे कुछ हो ना बड़ा नहीं देना पड़ेगा आप। आजकल अब यही है ना, कनकाम नहीं बेटा, ये पत्ते हैं गंदल थोड़ा सेंटर से गन्ने, वो उधर है, उधर उन्होंने लगाए हुए हैं, उधर जाके बनाते ये लिए आए हुए हैं सारे। ये देखो कितनी बेरी मंगी है, असल वाली ये हैं देखो, ये साथ है, ये देखो चलिए, यस यहाँ पे काफी साथ है। यहाँ पे मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं?
साग को साफ कर रही हूँ, इसको छीलना है फिर इसको काट लेंगे। इसके एक्स्ट्रा पत्ते उतार रही हूँ ना, अब ये जो गंदले है ना ये वाली सिर्फ हम ये बनाएंगे, ये और वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, वो जानवरों को डालेंगे, ये सारा छील के इसके लिए जो अंदर से जो गंदले निकलेंगे ना इसको बारीक बारीक काटेंगे, इसको उबालेंगे, जो बारीक गंदले हैं उनको काट के तो हम बंद कर देंगे। अदरक का तड़का लगाएंगे, इसको दम करेंगे। वो आप ही और लेके आ रही हैं अभी हम इसमें क्या भी तोड़ के डालेंगे? पालक, पालक बाथू डालेंगे, बाथू मेथी, थोड़ी सी मेथी डाल लेंगे। हाँ फिर बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जो तड़क के बनाना है ना उसको बस हम लंबा लंबा काटेंगे, बारीक सरसों की जो गंदी है तो उनको काट के और उसको बस दम दे लेंगे। दिखाएं जो आपने छीली है ये। साइड वाले पत्ते हैं वो हम जानवरों के चारे के लिए अलग करेंगे और जो गंदले हैं वो हम इस तरह से छील के तैयार करेंगे। और फिर घर जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे और धो के हम किस तरह से पकाएंगे। अब हम सारी गंदलों को इस तरह से तैयार करते हैं। ये गोभी सर है ना, दूसरी जो देसी होती है ना। और अभी अगर हम इसके साइड वाले पत्ते डालेंगे तो क्या होगा? वो पत्ते पत्ते फिर सैला बनेगा। बस यही है कि हमें तो इसका मजा आता है ना, ये मलाई की तरह घुलेगा साग। छोटे पत्ते डालने, ज्यादा बड़े वाले नहीं डालने। आपने वहाँ पे भैंसी देखी है? इतनी सारी भैंसी मेरी, हम ये भी भैंसों का दूध भी निकालेंगे। पार्ट टाइम जॉब करती है मेरी मम्मी। आप इसको चाहे तो इससे ज्यादा बारीक भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बॉईल होगा तो फिर ये अच्छा सा मैश हो जाएगा। तो बस इसमें अब हम डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी, इसको कवर करेंगे और चूल्हे पे चढ़ाएंगे। जी तो यहाँ पे बनाई है सनिया ने बड़े मजे की रस मलाई जो कि बन चुकी है। बस इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो है वो बोल में सर्व करेंगे और हम बाकी तैयारी करते हैं। तो जैसे ही ये रेडी होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तब हमने साग को चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें मैंने शामिल किया है 2 गिलास पानी। तो जैसे ही साग थोड़ा थोड़ा बॉयल होगा तो इसमें हम मजीद जो है वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, मजीद साग ऐड करेंगे, पालक ऐड करेंगे। अब इसको हम इस तरह से कवर करते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। जी तो वीर साग बहुत अच्छा सा बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची और इसको भी हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा बॉईल करेंगे और फिर हम साग को घोटेंगे और तरीका फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी तो वीर साग बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो अच्छा सा नरम होने के बाद हमने इसको अच्छा सा घोटा लगाया है। ये देखिए इस तरह से साग बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम सीजनिंग डालेंगे। आप इसमें लाल डंडी टोक मिर्चे जो है वो भी डाल सकते हैं और ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमारे पास है जी गंदम का आटा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गंदम का आटा इस तरह से शामिल करेंगे और अम्मी जो है इसको अच्छा सा घोटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि जो है वो आटे के लम्स ना बने। 2 से 3 चम्मच डलेगा, 2 से 3 चम्मच अब इसमें ऐड करते हैं बस। चलो इस टोटल साग में हमने ऐड किया है 2 से 3 चम्मच भर के गंदम का आटा। जी तो माशाल्लाह साग बिल्कुल
बिल्कुल रेडी है। अच्छा सा हमने इसको घोटा लगाया है और चिलीज जो है, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छा सा तड़का लगाएंगे। तड़का अगर आप चाहें तो अदरक का भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो लहसुन का भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी देसी घी, तो आप जो है वो व्हाइट बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो तड़के के लिए हमने लिया है यहाँ पर अदरक। आपने जब भी साग सर्व करना हो आप फ्रेशली जो है वो तड़का लगाया करें ताकि टेस्ट उसका अच्छा और रिफ्रेशिंग सा हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी 2 से 3 चम्मच। अदरक को हम हल्का सा सुनहरा करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह ये देखिए बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। ये देखिए ताज़ा ताज़ा साग था ना, तो इसको हमने खुद बनाया है, खुद तोड़ा है। इसके साथ आप मकई की रोटी बनाइए या आप सादी रोटी बना के इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही मज़े का सरसों का सीजनल साग रेडी है। अब इसको हम सर्व करते हैं। अगर आप चाहें तो आप एज इट इज भी डाइनिंग पे सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं। अब इसको हम एक बोल में सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अब इसके टॉपिंग पे अम्मी डालेंगी थोड़ा सा देसी घी। अरे वाह जी। तो बस अभी आप जाइए अपनी किचन में, बहुत मज़े का साग इसी तरीके से बनाइए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद अंबर विकास को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।